अनन्य तिथि है, शुभ तिथि है हम वैष्णव जनों के लिए, और पालन करने में विशेष जिन जिनों की कृपा के कारण, गुरु और वैष्णव की कृपा के कारण हमें आज की तिथि में यहाँ पर बैठ करके हरिकथा आदि सब वैष्णव की तिथि को पालन करने के अवसर मिल रहा है, ये बड़ा ही अनन्य है, क्योंकि इसमें हम लोगों की किसी प्रकार कोई साधन हुआ ही नहीं है। तो आज में श्री जीव गोस्वामी पाद जी के तिरुभाग तिथि। सबसे पहले तो ये हमारे संप्रदाय में छह गोस्वामी अन्यतम है। अभी यहाँ पे प्रश्न होता है, जैसे हम गुरु जी के आगे भी गोस्वामी लगाते हैं, प्रभुपाद जी भी, सरस्वती गोस्वामी, प्रभुपाद, हमारे जितने भी साधु संत वर्ग हुए हैं उनके सबके आगे गोस्वामी लगाते हैं। तो इन गोस्वामी जो छह गोस्वामी है वो क्यों, भाई तुलसीदास जी को भी गोस्वामी कहा गया, परंतु हम जब विशेष रूप में किसी विशेष रूप में हम सड़ गोस्वामी की जय देते हैं, तो आप लोग बताओ इसमें क्यों हम सड़ गोस्वामी क्यों देते हैं। और वहां पे जब भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि छह सत्संग देह है हमार, ये छह सत्संग कौन है, ये छह सत्संग ही, ये छह गोस्वामी ही है, तो इन छह गोस्वामी का क्यों ही हम लोग तिथि को विशेष रूप में पालन करते हैं, क्यों इनका वैशिष्ट्यता हमारे परंपरा में, हमारे धारा में है, हमें इनको पहले समझना हमें अनिवार्य। सबसे पहले तो छह गोस्वामी का नाम हमें याद रहनी चाहिए, ठीक है ना। अब बताते हैं कि ये गोस्वामी लोग जो छह गोस्वामी है कौन कौन है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और श्रीजीव गोस्वामी जिनके आज तिरुभाग तिथि है। अब कहते हैं ये गोस्वामी किन को कहा जाता है, कहते हैं जो शिष्य करने योग्य है वास्तव में वही गोस्वामी है। अब शिष्य कौन कर सकता है, जो छह प्रकार के इंद्रियों से, छह प्रकार की इंद्रियों को दमन करने में सक्षम है, यानी कि जो इंद्रियों का दास नहीं है अभी उनका स्वामी बन सकता है, वही गोस्वामी है। अब ये छह इंद्रियों को कौन दमन कर सकता है, जो छह भेगों को दमन कर सकता है। प्रश्न होता है छह भेग क्या क्या है, तो यहाँ पे कहते हैं सबसे पहला वाचो भेगम, जीवा भेगम, उदर भेगम, उपस्थ भेगम, ये जितने भी छह हमारे जो जो विषय है, इस छह विषयों को जब हम अपने अधीन में रखते हैं और रख करके इन्हीं छह विषयों को भगवत अनुकूल, भगवत जो विषय को हम अपने इंद्रियों के माध्यम से जब हम अपने इंद्रियों को कर देते हैं, ये ही व्यक्ति ही गुरु करने योग्य हो जाते हैं, यानी कि गो मतलब इंद्रियां, स्वामी मतलब जो इंद्रियों के स्वामी बन जाते हैं। इसलिए महाप्रभु इन परिकरों को, महाप्रभु की परिकर ही वास्तव में इंद्रिय दमनकारी है तथा भगवत इन इंद्रियों से भगवत सेवा करने योग्य है, इसलिए गोस्वामी है। पृथ्वी पृथ्वी को शिष्य बना सकते हैं अर्थात जगत गुरु बन सकते हैं, इसलिए बोलो सड़ गोस्वामी पाद की। अब जो तिरुभाग तिथि जो जीव गोस्वामी जी की है, ये जीव गोस्वामी जी राम के ग्राम में उनका जन्म हुआ। जन्म होते ही जैसे बच्चा बड़ा होता है, आप लोगों ने संकीर्तन पढ़ा होगा, जैसे क्रम में दिन दिन बालक भैया खेले नो बालक का सह आर के चुद ने धन उपार्जन पाठा पढ़ी कह रहा। भक्ति विनोद ठाकुर अपने कीर्तन में लिखते हैं, जब एक बालक छोटा सा बड़ा होता है, धीरे धीरे वो क्या करता है, उसका रुचि जो है माता पिता से हटकर अपने सखा संबंधी के प्रति लग जाता है। बच्चे फिर क्या करते हैं, बच्चों के साथ खेलने कूदने में लग जाते हैं, धीरे धीरे उसके ऊपर वो जो संसारिक जो भी अन्य अन्य क्रियाएं हैं उसमें लिप्त हो जाते हैं। तो हर एक जीव जीव के अंदर देखा जाता है, जब वो बालक रहता है अपने सखाओं के साथ खेलता है। जब जीव गोस्वामी बहुत ही छोटे थे, वो जब भी उनके सखाओं के साथ खेलते थे, वो कभी सखाओं के खेल के अंदर नहीं खेलते थे, जो खेल वो खेलते थे अपने सखाओं को वही खेल में उनको प्रवृत्त कर दिया करते थे। अर्थात हमेशा जैसे उद्धव जी जब बड़े छोटे थे ना, वो कृष्ण और बलराम की दो मूर्ति बना करके उनको खिलाते, उनको पूजा करते, नैवेद्य अर्पण करते, और जब सो जाते, सोने से पहले कृष्ण बलराम की दो मूर्तियों को सुला करके, विग्रह को सुला करके खुद सुआ करते हैं। ठीक इसी प्रकार की जीव गोस्वामी के चरित्र में देखा जाता है। बचपन में जब भी खेलते थे, तो कभी तो भगवान को नैवेद्य अर्पण करने का, कभी भगवान की जो क्रीड़ाएं हैं उसको अपने जीवन में उतार के जैसे खेला किया जा सकता है, ठीक इसी प्रकार वो खेल खेलते हैं। धीरे धीरे जैसे उनका वो कहते ना वीरवान होना हार को
है ना, जो छोटा व्यक्ति का जो संस्कार होता है बड़े बनकर के वही संस्कार ही प्रस्फुटित होता है। अगर व्यक्ति बचपन से ही चोरी वृत्ति में लिप्त है वो देखना उसको ठीक इसी प्रकार संग मिल जाएगा, बड़ा मतलब छोरा चोरी होगा। ठीक है जी, हमारे गुरु वर्ग के जीवन में देखा जाता है, हम जब उनकी जीवनी पढ़ते हैं ना, शुरू से ही वो बचपन से बड़े हरिभक्त हुआ करते हैं। तो इसी प्रकार जीव गोस्वामी छोटे से बड़े हुए, जैसे बड़े हुए सारे दर्शन को जितने शब्द काव्य दर्शन आदि शास्त्रों को पढ़ने लगे, संस्कृत के धुरंधर पंडित बन गए, बन तो गए अब, परंतु उनके मन में जो था ना, जब महाप्रभु कभी राम के विग्राम को आए थे और शिशु अवस्था में जीव गोस्वामी को उन्होंने दर्शन दिया था, वो तो व्यर्थ नहीं हो सकता। तो जीव गोस्वामी वही दर्शन को प्राप्त करने के लिए दोबारा उत्कंठित उल्लसित होकर के विनती पाए, परंतु उस समय महाप्रभु जो नीलाचल क्षेत्र में चले गए थे संन्यास लेकर के, तो वहां से जीव गोस्वामी आएंगे पूर्वाभास के कारण थड़दह ग्राम में विराजित जो हमारे नित्यानंद प्रभु थे, नित्यानंद प्रभु वो कहाँ पे आ गए थे, नवदीप में आ गए थे, मायापुर में आ गए थे। जब उन्होंने यहाँ पे श्रीवास आंगन में पहुंचे तो नित्यानंद प्रभु ने बोला कि जाओ देखो आज मेरे को जीव की बड़ी स्फूर्ति होती है, आज मेरे को जीव गोस्वामी की बड़ी स्फूर्ति होती है। अब किसी को बोला परिकर को जाकर के देखो, तो जाओ जल्दी से जल्दी जीव को बुलाओ, उसको संदेशा भेजो। जैसे ही वो व्यक्ति गए और देखा कि बाहर जीव गोस्वामी खड़े हैं, बड़े छोटे नन्हे से बालक, अपूर्व उनका रूप है, देख करके वो बड़े विस्मित हुए। यही नित्यानंद प्रभु की वैभवता है कि भगवान जिसको एकदम से स्मरण करते हैं वो दास होने के पास क्या हो जाता है, एकदम से आ जाता है। तो नित्यानंद प्रभु के पास उनके चरण में जीव गोस्वामी को लाए और जीव गोस्वामी ने अपने दोनों पद कमल को उनके सर पर स्थापन किया, उसके बाद उनको उठा करके चरण से अपने गले लगाया, बोले जी आगे आने वाले समय में तुम इस संसार की जो दुख दरिद्रों की जो पीड़ा को तुम ही समझ सकते हो, इसीलिए श्रीमद् भागवतम की तुम अभ्यास शुरू करो। नवदीप धाम की जहां जहां पे लुप्त हो गया था, सारे नवदीप धाम के स्थान स्थान पर लेकर के श्रीमद् महाप्रभु जो जो लीलाएं किया था वो सारे लीलाओं को महाप्रभु ने दिखाया, और उसी के बाद ही हमारे जहां जहां पे अभी हम जाते हैं ना नवदीप परिक्रमा में, नवदीप परिक्रमा में परिक्रमा जहां जहां पे हमारी जाती है, सबसे पहले यही परिक्रमा श्रीमद् नित्यानंद प्रभु श्री जीव गोस्वामी को लेकर के करवाए थे। उसके बाद श्री जीव गोस्वामी वृंदावन चल गए। ये थे कौन? ये थे श्री सनातन गोस्वामी और श्री रूप गोस्वामी, अमर और संतोष, और ये तीन भाई थे, अमर संतोष और वल्लभ, जिनका दूसरा नाम अनुपम भी था। तो ये जो दो भाई थे ये तो रूप और सनातन बन करके महाप्रभु की आज्ञा को लेकर के कहां चले गए, वृंदावन में लुप्त लीला स्त्रियों की उद्धार करने के लिए, ग्रंथों के प्रणन करने के लिए। पर जो तीसरे भाई थे उन्हीं के ये पुत्र थे, जब इनके भाई भी राज कार्य में व्यस्त थे उसी समय राम के लिए इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ से अनुपम की जो बेटा कौन शिवजीव गोस्वामी, ये आज्ञा लेकर के वृंदावन गए शिवजीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी के पास। यहाँ पे बहुत उनके सिद्धांत मूलक उनके जीवन चरित्र है, वैसे इनका जो जो ग्रंथ है जो उन्होंने प्रणयन किया है, इनको तत्वाचार्य कहा जाता है हमारे वैष्णव जगत में, क्योंकि उन्होंने उन सब तत्वों को, इन सब टीकाओं को भली भांति जगत को दिया है, ताकि कोई भी व्यक्ति भक्ति को भावना ना समझ करके, रस विज्ञान समझ करके इसका अनुशीलन करे। इसीलिए इनको हमारे संप्रदाय के तत्वाचार्य कहते हैं। और यही जीव गोस्वामी जब वृंदावन आते हैं, वृंदावन में रहकर जो बड़ी तपस्या में इनका जीवन था, इन्होंने रूप गोस्वामी के पास चरण कमलों में बार बार दंडवत अर्पण करता हूँ। उसके बाद मेरे परम गुरुदेव पूज्य श्री नारायण गोस्वामी महाराज एवं श्री भक्ति रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरणों में बार बार प्रणिपात करता हूँ।
श्रीमन महाप्रभु समेत समस्त गौर परिकर एवं मेरी समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो, उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को बार बार दंडवत प्रणाम करता हूं। आज भगवत कृपा से श्री भगवान की श्री गुरुदेव के दिव्य सानिध्य में हम लोग ऐसे दिव्य विभूति के दिव्य उत्सव में सम्मिलित हुए हैं। उनका दिव्य चरित्र श्रवण करने का सत्सौभाग्य, कहने का सत्सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ। देखिए, वैसे तो आज सच्ची बताऊं तो आज मैं कुछ प्रिपरेशन नहीं कर पाया ना, मैंने बोलने की बस कृपा ही है ये। और वैसे तो अभी आपने सुनी लिया इनका जो जीवन चरित्र है उसका विशेष भाग श्री प्रभु जी से, पर फिर भी थोड़ा बहुत जैसा गुरुदेव की इच्छा। श्री लोचन दास ठाकुर जी एक कीर्तन लिखते हैं, जो हमारे हम लोग सुबह जो कीर्तन लिखते हैं उसमें उस कीर्तन की पंक्तियां हैं। हरीना भजिनु विषय मजिनु, हरीना भजिनु विषय मजिनु, रौरव नरके माजे, भज भज हरी मन दृढ़ करे, मुखे बोलो तार नाम। इसमें क्या कहा है, हरीना भजिनु विषय मजिनु, जो हरि को भजता नहीं है, विषय में लगातार स्निग्ध है, विषय में ही पड़ा रहता है, वह रौरव नरक का पात्र है। देखिए, ये पंक्ति कहने का यहाँ पे एक विशेष भाव ये है कि हम लोग जिस दिव्य विभूति की विभूति के दिव्य चरित्र को श्रवण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, वे ऐसे अनुभव और विद्वान हैं जिन्होंने समस्त दिव्य दिव्य ग्रंथों की रचना तो करी ही है, दिव्य अपूर्व भाव से युक्त श्रीमद् भागवत जी के दिव्य संपुटों को खोला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बड़े बड़े वेदांत तत्वों के प्रतिपादन संपादन के दिव्य भाव विभाव और अन्य प्रकार के दिव्य संपुटों को उदय करने में सामर्थ्य नहीं है, उसको श्री जीव गोस्वामी पाद ने दिव्य पुष्पांजलि के रूप में प्रस्तुत कर लिया है। ऐसे दिव्य श्री जीव गोस्वामी पाद हैं। हम लोगों का ऐसा सौभाग्य है, जीव को सो जीव जाने, जीवंत के जीव सो प्रगटे हैं जीव गोस्वामी पाद लेके पुनि। ऐसे दिव्य भूति को सरस विभूति को जानी है कला सूत्र दिव्य स्वभाव सो, वेदन को पार छंद सार कवि वैष्णवन को, भागवत को सार टीका लिख दई है मुदित को। ऐसे दिव्य श्री जीव गोस्वामी पाद जिन्होंने भागवत जी की दिव्य टीका का उन्मेलन किया। देखिए, श्रीमद् चैतन्य चरितामृतम के अंदर इनका दिव्य थोड़ा सा कुछ भाग इनके चरित्र का है। श्रीमद् चैतन्य चरितामृतम दिव्य ग्रंथ है। हमारे श्री नारायण गोस्वामी महाराज पूज्य गुरुदेव परम गुरुदेव, उनका तो विशेष भाव यही रहा है कि पूरे के पूरे त्रिभुवन में श्रीमद् चैतन्य चरितामृतम जैसा ग्रंथ दूसरा नहीं है। ये चैतन्य के चरित्र का अमृत है। एक अमृत उस खारे समुद्र में से प्रकट हुआ है, एक अमृत ये है। वहां पर 14 रत्नों के साथ लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात कसुरा धनवंतरिश चंद्रमा धेनु काम दुगा सुरेश्वर गजो रंभाज देव अंगना अश्वो सप्त मुखो विषम हरिधनो शंखम मृतम चंबुदे रत्ना नीति चतुर्दशम प्रतिदिनम कुरुवंतु नो मंगलम। ये 14 रत्न उत्पन्न हुए हैं। वहां पे एक तरफ दैत्य है, एक तरफ देव है, और मथानी जो बनाई है वो वासुकी को बनाई है, पर यहाँ पे क्या है, ये भी चैतन्य चरितामृतम के दिव्य चैतन्य के दिव्य चरित्र का अमृत है। यहाँ पे एक तरफ रससार सरोवर के समुद्र भूत पंकज श्री गोविंद खड़े हैं, एक तरफ महाभाव स्वरूपा होन राधा ठाकुरानी श्री राधा रानी खड़ी है, और वहां पर मथनी बनाया है वासुकी को, और मथनी बनाया है मंदराचल और नेति वासुकी को। यहाँ पर कृष्णदास कविराज का हृदय ही मंदराचल के रूप में प्रस्फुटित है, और श्रीधाम वृंदावन के दिव्य
लता पत्र पुष्प इत्यादि जो समस्त जो सारी लता है उसको मथनी के रूप में प्रस्फुटित करा है। और यहाँ पे जो वहां समुद्र है, यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी का दिव्य भाव ही समुद्र रूपी है। एक तरफ श्री राधा रानी, एक तरफ श्री गोविंद, जब इन ये दोनों एक दूसरे के हाथ से मंथन करते हैं, दिव्य लीला का संरक्षण करते हुए संचरण करते हैं, उस हृदय से श्री उसी हृदय से जब दिव्य संपुट दिव्य अमृत का उदय होता है, वही श्रीमद चैतन्य चरितामृत, वही श्रीमद चैतन्य चरितामृतम है। ऐसे दिव्य संपुट के उदय से, ऐसे दिव्य श्रीमद चैतन्य चरितामृतम में इनका दिव्य चरित्र आता है। श्रीमद श्री जीव गोस्वामी पर इन्होंने ऐसी अद्भुत टीका लिखी है। आज इनकी टीका पे कुछ इन्होंने जो श्लोक पत्थर रचना करी है महाराज, इतनी अद्भुत 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 अद्भुत। आप इनका चरित्र तो अन्य अन्य हमारे हमारे गुरु भाइयों से भी सुनेंगे, पर इन्होंने जो दिव्य ऐसी ऐसी इनकी टीका में ऐसे मधुर फल प्रतीति हुई है ना, बहुत सुंदर। ये जो श्लोक है, वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवास कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां रंध्राण वेणु हृदय सुदया पूरयन् गोपवृंदैः वृंदारण्यम शपद रमणम प्राविशत कीर्ति। इसके अंदर श्री जीव गोस्वामी महाराज श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि जो कर्णयो कर्णिकारम है, इसमें हम लोग क्या कहते हैं, साधारण व्याख्या क्या सुनते हैं, और वैष्णवों की टीका ले लो, क्या सुनते हैं कि भगवान के एक कर्ण में कनेर का पुष्प है, और जब श्री भगवान पद का संचारण करते हुए पद क्षेण करते हुए जब चलते हैं तो एक कर्ण का एक कनेर का पुष्प उछाल करके जब इधर अपने वेग को संभालते हैं तो वो पुष्प किस कान में आ जाता है। परंतु श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या भाव है, कह रहे हैं कर्णयोः कर्णिकारम, कर्णयोः बहुवचन है, यहाँ पे श्री राधा माधव ही चल रहे हैं, श्री राधा माधव एक साथ दिव्य आलिंगनबद्ध होकर के चल रहे हैं, श्री राधा एक एक हाथ में श्री राधा जिनके वंशी के सात चित्रों में दोनों ने वंशी को पकड़ रखा है, सारे तीन छेद श्री किशोरी जी के पास हैं, सारे तीन छेद श्री गोविंद के पास हैं, और जब श्री गोविंद अपने एक हाथ से अपने केशों के अंदर जब उनको हलचल मचती है तो केश आवत से केश को संभालते हैं, तो वो अपने हाथ से अपने केश की बजाय श्री किशोरी जी के केश को संभाल लेते हैं, और ऐसे श्री राधा रानी अपने केशों की बजाय श्री गोविंद के केश संभाल रही है। दोनों दो स्वरूप में एक होकर के इसलिए कर्णयोः कर्णिकारम ऐसे दिव्य भाव श्री जीव गोस्वामी पाद ही उदय कर सकते हैं। ये पहली बार ऐसी टीका इनकी दिव्य मनोभाव युक्त श्री बोधिनी को पढ़ने का सत्सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अन्य इनके बहुत सारे चरित्र हैं, इनके जीवन में अनेक शिक्षाएं हैं, लीलाएं हैं, वो तो आप सुनेंगे ही। एक इनकी जो लीला है वो बहुत सुंदर है। एक बार क्या हुआ, इन्होंने इनके जो शिष्य थे और इनके साथ जो सत्संग में सत्संग प्रेमी थे श्री जीव गोस्वामी पाद के पास जो सत्संग करने के लिए आते थे, उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि आपके पास खूब धन आ जाता है, आपको काफी लोग धन दे करके जाते हैं, पर आप सारा का सारा धन जो है नदी में प्रवाहित कर देते हैं, आप वैष्णव सेवा नहीं करते। तो उन्होंने कहा जीव गोस्वामी ने कि मैं आप लोगों में से किसी को भी वैष्णव सेवा करने का अधिकारी नहीं मानता हूं। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये बात शिक्षा प्रद है। वैष्णव सेवा हम लोग देख रहे हैं कि बहुत साधारण तत्व है, पर ये वैष्णव सेवा देखो, एक साधारण व्यक्ति संसार की एक साधारण व्यक्ति की बात है, जब दो व्यक्तियों में मित्रता होती है तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए दिव्य क्रिया विशेषण करता है, पर ये ठाकुर को प्रसन्न करने की क्रिया है, इसलिए वैष्णव सेवा अनुपम 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 तत्व है। इस कारण से और सोच समझ के श्री जीव गोस्वामी पाद ने कहा है कि वैष्णव सेवा साधारण बात नहीं है, आप लोगों में मुझे पात्रता नजर नहीं आ रही है, इस कारण से मैं आपको आप लोगों को वैष्णव सेवा करने का इस धन को उपयोग करने का और इस धन से वैष्णव सेवा करवाने का अधिकारी नहीं समझता। परंतु एक शिष्य ने कहा कि हम करेंगे, हम करके दिखाएंगे। तो कहा
कि ये नाना ग्रंथ हृदय ग्रंथि दृढ़ छेदि डारे डारे धन यमुना में आवे चहूं और ते कही दास साधु सेवा कीजे कही पात्रता ना करे नी के करी बोलो कटु कोप जोर ते तब समझायो संत गौरव पढ़ायो यहाँ सबको सिखायो बोले मीठो निसी भोर दे चरित अपार भाव भक्ति को न पारावार कियो वैराग्य सार कहे कौन छोर दे। जब उन्होंने कहा ठीक है हम करके दिखाते हैं तो उन जीव गोस्वामी पाद ने कहा ठीक है अब धन आएगा तो आप लोग करके दिखा दीजिएगा। जब उन्होंने सेवा करी करने लगे वो लोग कि हम लोग करके दिखाएंगे वैष्णव सेवा ही तो करनी है वैष्णव सेवा ही तो करनी है क्या करना है। जब वो करा तो एक बार उन्हीं से ही अपराध बन गया एक संत के प्रति अपराध बन गया संत को ऊट पटांग बोला उनको क्रोध आ गया क्रोध में अपराध हो गया। तब जीव गोस्वामी पाद ने संत महिमा का ऐसा दिव्य प्रस्तुत किया महाराज विश्लेषण बहुत सुंदर उन्होंने विश्लेषण प्रस्तुत किया। इस पूरी घटना से क्या 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 शिक्षा प्रद है क्या शिक्षा प्रस्तुत करी है जीव गोस्वामी पाद ने कि देखो जो धन हमारे पास भगवान की सेवा के लिए आता है वो धन भगवान बहुत 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 ज्यादा किसी को किसी विशेष व्यक्ति को ही पात्र बना करके हम तक पहुंचाते हैं ताकि भगवान की सेवा हो सके वैष्णवों की सेवा हो सके। और वही धन अगर इधर उधर लग गया तो वो वैष्णव अपराध बन जाएगा भगवता अपराध बन जाएगा भागवता अपचार बन जाएगा। इस कारण से वह जो धन जो वैष्णवों की सेवा में लगना चाहिए वो वैष्णवों की सेवा में लगाया हुआ धन है जिसको एक महाराज जी कहते हैं वैष्णवों की सेवा में लगाया एक एक पैसा कोटि कोटि कल्पों से कर रहे ओजस तेज ब्राह्मण जो दिव्य यज्ञ करता है उस अग्नि अग्नि के सदृश ब्राह्मण को भी बचाना मुश्किल होता है। इसलिए ये जो धन आता है वैष्णवों की सेवा का ये बहुत बहुत अनमोल धन है। और वैष्णव सेवा भगवान कृपा करके देते हैं। हम लोग साधारण रूप में समझते हैं कि हम लोग वैष्णव सेवा कर रहे हैं तो ये साधारण है। भगवान ने आप लोगों को बहुत बहुत सुंदर पात्र बना करके और माध्यम बना करके वैष्णवों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त कराया है। इसलिए वैष्णव सेवा एक बहुत अनुपम तत्व है। श्री गोविंद को राधा जी समेत प्रसन्न करने का एकमात्र संश्लेषण वैष्णव सेवा है। इसलिए तो महाप्रभु सनातन शिक्षा में कहा है श्रीमद् महाप्रभु ने तीन चीजें अनिवार्य हैं नामे रुचि वैष्णव सेवान नामे रुचि जिविरे दया वैष्णव सेवान एते अधिक धर्म नाही सुनो सनातन। नाम में रुचि वैष्णव में सेवा प्रत्येक जीव में दया इससे बड़ा धर्म नहीं है। इन्हीं सभी शब्दों के साथ वांछा कर कविता नाम का वैष्णव ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय व्याकुलशिष्यमात्रे भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में अनंत कोटि धन का प्रकटता तत्पश्चात में शिक्षा विजय भक्तिवेदांत श्री गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में कोटि कोटि धन प्रणाम है। उसके उपरांत समस्त ब्रह्मचारी गणों के चरणों में मेरा कोटि कोटि धन प्रणाम एवं समस्त वैष्णवी वैष्णवों के चरणों में मेरा कोटि कोटि धन प्रणाम। आज बहुत सौभाग्य का दिन है आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। श्री जीव गोस्वामी जी का त्रिभाव तिथि है और भक्ति को जो लोग सहज ले लेते हैं उनको भक्ति सिद्धांत तत्व सिखाने के लिए श्री जीव गोस्वामी का प्रकट्य हुआ। श्री जीव गोस्वामी इस धराधाम में 85 वर्ष तक उपस्थित रहे प्रकट रहे
उसके उपरांत आज ही के दिन उनका यहां से तिरोधान हुआ। श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी के एक और भाई थे, छोटे भाई जिनका नाम था श्री अनुपन जी, उनका बाद में दीक्षित नाम हुआ श्री वल्लभाचार्य। उनके ये श्री वल्लभ जी आचार्य श्री वल्लभ जी, तो उनके सुपुत्र ये श्री जीव गोस्वामी राम के लिए ग्राम में जब शिशु रूप में थे तो महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी को दर्शन देने के लिए वहां पर आए, तो इन्होंने वहां पर महाप्रभु का दर्शन किया। और महाप्रभु का दर्शन जैसा कि प्रभु जी ने बताया कभी खाली नहीं जाता, वो तीव्र दर्शन पुनः प्राप्त हो जैसे जैसे जीवन उनका बढ़ा, तो उन्होंने दर्शन देखा कि श्री चैतन्य देव अपने नित्य पार्षदों के साथ सुंदर अपना ही कीर्तन अर्थात कृष्ण का कीर्तन करते हुए हरिनाम करते हुए वहां पर नृत्य कर रहे हैं और उनके हृदय आंगन को बहुत सुंदर आनंद प्रदान कर रहे हैं। उसको देख करके समस्त प्रकार की आसक्तियां तो पहले ही नहीं थी और जो कुछ बची कुची थी वो भी नष्ट होती चली, और व्यक्ति को प्राप्त होकर के एक संगी को लेकर के वहां से चले हैं नवदीप के लिए। उस संगी को भी बीच में ही वापस भेज दिया कि तुम जाओ, और फिर तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करते हुए वहां पहुंचे। नवदीप में पहुंच करके जो खड़दह से श्री नित्यानंद प्रभु जी इसी अभिलाषा से आए थे कि श्री जीव गोस्वामी वहां पर आएंगे, उन पर कृपा करूंगा। देखो जैसे शिष्य अगर निष्काम भावना से अपने गुरुदेव या भगवान के लिए भागता धावित होता, ऐसे गुरुदेव और भगवान भी अपने शिष्य के लिए अपने भक्त के लिए भागते। खड़दह को छोड़ करके एकदम नित्यानंद प्रभु श्री नवदीप धाम में प्रकट हुए और श्री जीव गोस्वामी जी को कृपा प्रदान करने के लिए वहां उपस्थित हुए, और अपने दोनों चरण कमल जब श्री जीव गोस्वामी जी उनको दंड प्रणाम कर रहे थे, दोनों चरण कमल उनके शीश पर थे, एक नहीं दोनों चरण कमल, मतलब पूरी पूरी कृपा। और जब वो उठे तो उनको हृदय से ऐसे आलिंगन प्रदान किया कि जैसे अटूट संबंध हो और उनको छोड़ना नहीं चाहते। उसके बाद श्री जीव गोस्वामी जी को पूरी नवदीप परिक्रमा श्री नित्यानंद प्रभु जी ने कराई, जो हम लोग करते हैं होली के उपरांत पर, वो श्री जीव गोस्वामी और श्री नित्यानंद प्रभु के कारण ही आज गुरु परंपरा के माध्यम से हमको प्राप्त हो रही है। श्री नित्यानंद प्रभु को सुंदर सुंदर दर्शन मायापुर के, नवदीप के और आस पास के जितना भी जो नवदीप का क्षेत्र है गौर मंडल परिक्रमा सुंदर तरीके से करें। उसके बाद श्री नित्यानंद प्रभु का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करके वो वृंदावन को प्रस्तुत हुए, वहां से गमन करके वृंदावन पहुंचे, और वहां जाकर के जो श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी पहले से वहां पर सुंदर तरीके से सुंदर लीलाओं का अवलोकन कर रहे थे, ग्रंथ प्रस्तुत कर रहे थे, जो लीला स्थलियां लुप्त हो चली थी उनको फिर से प्रकटित कर रहे थे, वहां जाके उनका चरणों में जाकर के उन्होंने सुंदर शिक्षाएं और भजन किए। तो जीव गोस्वामी इस तरीके से उनकी सुंदर सेवाएं कर रहे थे। एक बार वहां पर एक वल्लभ भट्ट एक अच्छे संत वहां पर उपस्थित हुए और श्री भक्ति रसामृत का एक मंगल आचरण को पढ़ करके उन्होंने कहा कि श्री रूप जी आपने इसमें थोड़ी सी कमी की है, मैं सब संशोधन कर दूंगा, अभी मैं स्नान करने के लिए जा रहा हूं यमुना जी में। ये देख करके जो जीव गोस्वामी जी अंदर से बिल्कुल क्रोधित हुए और वहां पर पहुंचे जहां पर वो स्नान कर रहे थे, और वहां जाकर के उन्होंने कहा हे आचार्य आपने मेरे गुरुदेव के मंगलाचरण में क्या कमियां पाई। तब उन्होंने बताया ये कमियां हैं, मंगलाचरण में जो भी उन्होंने कमियां बताई उनको कमी ना बता करके उनको सत्य और बहुत उत्कृष्ट तरीके से प्रस्तुत करके प्रकटित करके सत्यापित कर दिया, और वो वल्लभ भट्ट जो थे उनके नतमस्तक हो गए। कहा ऐसा शिष्य जिसका हो तो गुरु कितना ऊपर होगा, मैंने ही गलती करी और मैं क्षमा याचना करते हैं, अभी रूप गोस्वामी जी को अभी दंडवत प्रणाम करता हूं, उनकी चरण धूलि उनके मस्तक पर लगाता हूं। ये वल्लभ भट्ट पुनः
रूप गोस्वामी जी के पास पहुंचे और उनको प्रणाम किया और कहा तुमने शिष्य इतना उत्कृष्ट है तुम्हारा शिष्य जिसने जो मेरे अंदर थोड़ी बहुत जो मल आ गया था हृदय के अंदर तुम्हारे प्रति वो जो है आपने कहा ठीक है कि तुम संशोधन कर देना, तुम्हारी दीनता इतनी बड़ी है, तुम्हारे जो शब्द हैं एक एक शब्द तुम्हारा अटल पवित्र है और जिसे संशोधन कभी नहीं किया जा सकता उसको मैं संशोधन करने चला था, मैं तुमसे क्षमा याचना करता हूँ। देखो श्री रूप गोस्वामी तो बड़े दीनहीन का यहाँ पर परिचय दे रहे हैं और यहाँ पर श्री जीव गोस्वामी उनको वल्लभ भट्ट को जो है तीखा तीखा सारी बात सुना करके युक्तिपूर्ण तरीके से उनकी जो बातें थी उनको काट करके और उनको सही बताया कि गुरुदेव हमारे सही हैं। तो यहाँ पर जो गुरुदेव हैं वो दिखा रहे हैं संत को कैसा होना चाहिए, दीनहीन। लेकिन यहाँ जीव गोस्वामी अपनी चित्रावली से क्या दिखा रहे हैं कि शिष्य कैसे होना चाहिए, अपने गुरु में पूर्ण निष्ठा कि मेरे गुरुदेव साक्षात परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के ही अंश है। भगवान ही मान करके उनको आप जब पूजेंगे तो सत्य है, तो ये उन्होंने दिखाया। लेकिन यहाँ पर दोनों का चरित्र बड़ा अपने अपने जगह सटीक था तो भी श्री रूप गोस्वामी ने उन पर क्रोध किया, क्या तुम जो है इस अधिकार को कहां से प्राप्त किया, तुम्हारे अंदर चंचलता है, तुम्हें संतों को जानने की अभी तुम्हारे अंदर परख नहीं है कि संतों के साथ कैसे आचरण किया जाता है, तुमने इतने उच्च कोटि के संत को जाकर उनका प्रतिकार किया, तुम यहां रहने योग्य नहीं, तुम यहां से चले जाओ और उनको वहां से भगा दिया। वहां से उन्होंने क्रोध करके उनको जाने दिया। जीव गोस्वामी जी नंद घाट में जाकर के बिना कुछ खाए कई दिनों तक, कई हफ्तों तक, और जब भूख लगती तो यमुना के पास जाकर के कीचड़ को खा जाते थे और कीचड़ खाते खाते उनकी आंखों की रोशनी और पेट खराब होने लगा। एक दिन वहां से जो है काफी ब्रजवासी रोज कुछ ना कुछ ला करके देते थे, बाबा कुछ खा लो ये कीचड़ विश्वामी उनको नहीं मानते थे। तो एक दिन वहां सनातन गोस्वामी जी जा रहे थे, उनको बताया कि ये जो है बालक इस तरीके से अंधा हो रहा है और उसका पेट खराब हो जाएगा। तो सनातन गोस्वामी जी उनको पुनः लेकर के आए और वहां पर जाकर के फिर उनका उपचार इत्यादि करके फिर श्री रूप गोस्वामी जी को कहा अरे इसको क्या बिल्कुल मार के छोड़ेगा, इसको अपने समीप रखो, तब जाकर के पुनः उनको। तो इस तरीके से श्री जीव गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर सुंदर 25 ग्रंथ जो रत्ना कर जो है उसके अंदर आता है वर्णन, एक 25 ग्रंथ नाकाश उसमें आता है। इसके अलावा फिर कई लोग जो है उनके बारे में ये बोलते हैं कि श्री जीव गोस्वामी जी स्वकीय भाव को ही मानते थे, परकीय भाव को नहीं मानते। तो उसका सुंदर तरीके से हमारे गुरुदेव ने और प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से उल्लेख किया, ऐसी बात नहीं है। श्री जीव गोस्वामी जी परकीय जो षड गोस्वामियों ने हमारी गुरु परंपरा के माध्यम से, महाप्रभु के माध्यम से, अषड गोस्वामियों के माध्यम से हम तक पहुंचा है वो सत्य है। परकीय भाव को इसलिए उन्होंने स्वकीय भाव की अपेक्षा सही बतलाया कि लोग बाग जो सहजिया भाव वाले हैं वो इसको एकदम से अंगीकार करेंगे और एकदम से नाटक करते हुए उत्कृष्ट भाव को सहज में संभालते हुए लोगों को ये गलत भावना गलत संदेश देंगे, इसलिए उन्होंने स्वकीय भाव को प्रतिष्ठित किया। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो जीव गोस्वामी के जीवन चक्र में मिलती हैं। उन्होंने धन्यवाद ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पद्रव्यस्य कृपासिन्धवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णु पार्षद सतीश भक्ति वेदांत सतीश गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में उनके हेतु की कृपा वंश करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म, तत्पश्चात परम गुरुदेव वर्ग, मित्र लीला विष्णु पाद अष्टोदश तीर्थ
भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज निखिलेंद्र प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर तथा भक्ति तिरुप किला सिद्धांति गोस्वामी महाराज के जन्म साक्षात प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात रूपांग गुरुवर्ग रूपांग सपरिकर श्रीला जगत गुरु प्रभुपाद सपरिकर सपा श्रेष्ठ गौनित्यानंद प्रभु सपरिकर सपा श्रेष्ठ जुगल किशोर सरकार राम गोविंद जीव के चरण में साष्टांग नमन प्रणाम करता हूँ। हेतु की कृपा वांछा करता हूँ। उपस्थित प्रतिष्ठ गुरु भ्राता वृंद वैष्णव वृंद वैष्णव वृंद भक्त वृंद समस्त चरण कथा जो चरण प्रणाम स्वीकार सब तो बोल दिया। विशेष विशेष जीव गोस्वामी के ऊपर में कुछ बचा ही नहीं। पहले तो हमारे जनार्दन प्रभु ने बड़े अच्छे से बताया, फिर प्रभु जी ने, फिर चिराग प्रभु ने बताया, तो मैं थोड़ा सा उनके बारे में उनके चरणों में पुष्पांजलि प्रदान करने की कोशिश करता हूँ। तो जीव गोस्वामी पाद इनके जो नाम थे, हमने तो उनके पूरा नाम थे परिजीत खोगे की तरह गोस्वामी से ये एक है। अब सिर्फ जीव गोस्वामी जो नाम है जीवक, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जीव का जो वास्तव में जो अर्थ है जीव 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 क्या पार्वती कि जो जीव को पालन करते हैं। किस प्रकार पालन करते हैं कि अपने सिद्धांत के द्वारा अपने टीका के द्वारा अपने विचार के द्वारा जो जीव को पालन करते हैं वही कौन है ना श्री जीव गोस्वामी पाद। देखो ये जीव गोस्वामी पाद है, महाप्रभु ने आगे यद्यपि महाप्रभु के पास समस्त शक्ति है फिर भी महाप्रभु ने आगे अपने एक एक भक्त के द्वारा एक एक सिद्धांत को स्थापना किया। जैसे रूप गोस्वामी के द्वारा रस तत्व को स्थापन किया और हरिदास ठाकुर के द्वारा नाम तत्व को स्थापन किया, उसी प्रकार ये जीव गोस्वामी के द्वारा महाप्रभु सिद्धांत को स्थापन किया। इसलिए जीव गोस्वामी कौन है हमारे जो गौड़े संप्रदाय के, ये जीव गोस्वामी पास सिद्धांत का आचार्य है, इनको सिद्धांत का आचार्य बोला जाता है। अब इन्होंने विशेष करके सड़ संदर्भ रचना किया, इनके ग्रंथ के अगर ग्रंथ में अगर हम थोड़ा थोड़ा श्रवण करेंगे सड़ संदर्भ छह संदर्भ क्या क्या है कि तत्व संदर्भ, भगवत संदर्भ, परमार्थ संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, भक्ति संदर्भ और प्रीति संदर्भ। ये छह संदर्भ को इन्होंने विशेष रूप में रचना किया। अब यहाँ पे हमारे प्रभुपाद बोलते हैं गुरुवर्ग बोलते हैं ये छह संदर्भ क्या है, ये छह संदर्भ किस चीज है। देखो गुरुवर्ग बताते हैं कि श्रीमद भागवतम एक बड़े सुंदर महल है। अब उसी महल में प्रवेश करने के लिए कोई तो द्वार होगा, तो वो वहां बोल रहे हैं कि ये छह जो सड़क संदर्भ है श्रीमद भागवत रूपी जो महल है वो सुंदर महल में प्रवेश करने का छह द्वार है। और दूसरे बात बता रहे हैं और एक भाग में बता रहे हैं कि मान लो जिस प्रकार श्रीमद भागवतम उसमें क्या है रसालयम, बस रस ही रस है। मान लो कि रस का एक तालाब है और तालाब में क्या होता है कहेंगे कहीं दूर दूर से गंदी नाली गंदी कूड़ा कीचड़ उसमें घुस ना जाए, तो जीव गोस्वामी पाद ने इससे सड़क संदर्भ के द्वारा इतना दृढ़ प्राचीर बनाया उसके चारों तरफ भागवत जी के चारों तरफ कि वहीं कुछ घुस ही नहीं सकता है और घुसने का कोई सोच भी नहीं सकता है, घुसने का तो दूर की बात है। तो ये इनका विशेष महिमा है। और दूसरे बात है कि हमारा जितने भी शास्त्र हम भागवत जी में पढ़ते हैं जितने भी शास्त्र है वो शास्त्र में तीन चीज को लक्ष्य किया गया, क्या क्या संबंध अभिधेय और प्रयोजन, ये तीन तत्व को विशेष विशेष करके लक्ष्य किया गया है। संबंध क्या है कि हमारा ठाकुर जी के साथ क्या संबंध है, अभिधेय क्या है कि जो भक्ति करने का प्रोसेस जो प्रक्रिया वो क्या होता है, और प्रयोजन क्या है कि हमारा क्या लक्ष्य है। तो ये जो तीन चीज को उन्होंने पूरा का पूरा अपने सड़क संदर्भ में विशेष रूप में दिखलाया। चार संदर्भ में तो उन्होंने केवल संबंध तत्व को बारे में बताया, जिस प्रकार चार संबंध क्या है कृष्ण संदर्भ और परमार्थ संदर्भ, भागवत संदर्भ और तत्व संदर्भ, बस चार संदर्भों में इन्होंने बस केवल संबंध ही संबंध के संबंध तत्व के बारे में ही बताया। और जो अभिधेय तत्व है किसे हम भजन करेंगे उसको इन्होंने भक्ति संदर्भ में किस प्रकार भक्ति करना चाहिए, भक्ति में क्या क्या होता है पूरा विस्तृत रूप में इन्होंने बताया। और हमारे लक्ष्य क्या है जो प्रयोजन तत्व है इन्होंने प्रीति संदर्भ में विशेष करके इन्होंने बताया। तो ये बड़े विस्तृत बात है। थोड़ा आगे चलेंगे तो इनके और एक ग्रंथ ने इन्होंने हरिनामामृत व्याकरण ये ग्रंथ को रचना किया। व्याकरण समझ में आ रहा है, स्थिति ऐसा हो गया कि कोई हिंदी चीज समझ में नहीं आती इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, अरे ग्रामर जो हरिनामामृत व्याकरण होता है जो हरिनाम का ग्रामर, अब बताओ सब चीज में ओडिया ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर है, हिंदी ग्रामर है, संस्कृत का ग्रामर है, हरिनाम का ग्रामर कहाँ है।
तो कहते उन्होंने नामकरण, पहले जो नामकरण किया हरि नामामृत व्याकरण, तो उसमें जो संस्कृत है इन्होंने देखे कि बद्ध जी तो पहले तो सब संस्कृत ही पढ़ते थे, लेकिन कलिकाल में ऐसी स्थिति हो जाएगी कोई संस्कृत पढ़ेगा ही नहीं, सब जड़ विद्या जो माया कुमार भजन में बाधा मोह जन्म या अनित्य संसार जीव की करेगा था उसी में ही प्रवेश करेंगे, संस्कृत तो पढ़ेंगे नहीं। और संस्कृत जो है इतना जो पाणिनि सूत्र है उसको पाणिनि सूत्र क्या जो महेश्वर जी ने शिव जी ने अपने डमरू बजाया और उसी डमरू से 14 सूत्र विशेष करके निकला आए हूं रुन लिख एंग औच ए नोच हय वरन ना हसना नहीं कचटप छटतप झवल ने ससतर बल, ये जो पूरा 14 सूत्र है इसमें ऐसा ही कुछ है कि मतलब हाँ। तो ये 14 सूत्र को फिर जो पाणिनि ने जिस प्रकार ग्रंथ में लिखा फिर इसको समझना बहुत मुश्किल है। फिर हमारे जीव गोस्वामी पाद ने हम जैसे जीव को कृपा करने के लिए इन्होंने क्या किया हरि नामामृत व्याकरण लिखा। और इसमें जब स्वर वर्ण होता है उसको क्या नाम देते हैं, जो स्वर वर्ण होता है जो अ से लेकर ओ तक जो स्वर वर्ण को नाम दिया सर्वेश्वर, सर्वेश्वर मतलब सब देवता का जो ईश्वर है। और इसमें जो व्यंजन वर्ण होता है क से लेकर ख तक जो व्यंजन वर्ण है उसको नाम दिया विष्णुजन, कैसा कैसा नाम देते हैं। अब यहाँ पे सिद्धांत तो बता रहे हैं कि जैसे कोई व्यंजन वर्ण अगर हम उच्चारण करेंगे क से लेकर ख तक सब किसके सारे उच्चारण करेंगे स्वर वर्ण के सारे उच्चारण करेंगे, तो यहाँ पे देखने जाएंगे तो यहाँ पे सिद्धांत देते हैं कि किस प्रकार भगवान भी विष्णु जन अर्थात भक्त के पूरा वशीभूत है। और इन्होंने जिस टीका में अगर उसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हरि चंपू हरि गोपाल हरि कर्दम पूरा ऐसा ऐसा नाम रखा जिसको अगर कोई अगर संस्कृत पढ़ने जाएगा उसके व्याकरण के अंदर उसका संस्कृत का पूरा ज्ञान होगा और दूसरा चीज उसको भगवत तत्व भी पूरा का पूरा हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने इसलिए श्री जीव गोस्वामी ने देखा भविष्य में जो भक्त लोग आएंगे क्योंकि जब तक आपको संस्कृत ज्ञान नहीं होगा ना तब तक शास्त्र को आप सही सही नहीं समझ सकते। अभी जो व्यक्ति भजन में आ जाएगा भक्ति में आ जाएगा भक्ति में आ जाएगा उसको भगवान की भक्ति के सिवाय और कोई चीज उसको अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए कहते ना अनुकूल्य से संकल्प प्रातिकूल्य से विवर्जन, वो भक्ति के प्रतिकूल वस्तु को छोड़ेगा और अनुकूल वस्तु को ग्रहण करेगा, इसलिए वो भगवान की भक्ति के सिवाय तो कुछ करेगा नहीं। लेकिन जब तक तो कोई संस्कृत का ज्ञान नहीं होगा ना तब तक वो शास्त्र ग्रंथ में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए ये चीज को सोच करके श्री जीव गोस्वामी ने सोचा मेरे को ऐसे एक ग्रंथ बनानी चाहिए जिसमें दो काम हो जाएगा, एक तो संस्कृत ज्ञान हो जाए व्याकरण का ज्ञान हो जाएगा और उसको साथ साथ में भगवान का नाम भी हो जाएगा। इसलिए उन्होंने ऐसे ऐसे उन्होंने सूत्र बनाए, उसका जो पहला सूत्र है ना कहते नारायणात उद्भूत अयम वर्ण क्रम, वो पहले से उस उन्होंने किया जैसे अ आ ई ई उ ऊ वो कहाँ से निकली है, बोले सब ठाकुर से भगवान से निकला। लेकिन अ के बाद में आ के बाद में ई ये कहाँ से निकला, बोले भगवान नारायण से निकला। पहला सूत्र वहीं से उन्होंने शुरू किया है और अद्भुत रूप में जैसे संधि संधि है ना जैसे एक चीज है उनने संधि में क्या कहते हैं, बोले तेना में कृष्ण पदाब्ज मन संधिर विधियते, संधि मतलब संधि करना दोनों में, कहते संधि कैसे करे, बोले एक तो ठाकुर का चरण दूसरा मेरा मन, अगर हमारा मन अगर ठाकुर जी के चरण में लग गया बस काम ही बन गया, ये लग नहीं रहे तब तो जितना गड़बड़ी है। उन्होंने ऐसे ऐसे धातु उनने जो धातु आप लोग तो संस्कृत ज्ञान आपका है ही नहीं भवती भवता भवती उन्होंने जो धातु वो कहते धातु शरीर में धातु नहीं रहेगा तो क्या होगा मर जाएगा, इसे धातु रूप में कौन बैठे ठाकुर ही बैठे। उन्होंने अद्भुत रूप में अभी प्रश्न है उन्होंने कहाँ से लिया कि जीव गोस्वामी कहाँ से लिया, बोले जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु अपना गया पितृपिंड देने के लिए गए थे, महाप्रभु जब पितृपिंड देकर गया से वापस आए ना महाप्रभु स्वयं टीचर थे हैं, जब उन्होंने बच्चों को उन्होंने पढ़ाने के लिए बैठे अभी महाप्रभु जब उन्होंने गुरु जी से मिले उन्होंने ईश्वरपुर से गुरु जी से मिले गुरुजी से जब उन्होंने दीक्षा मंत्र को ग्रहण की फिर महाप्रभु फिर तो महाप्रभु पंडित निमाई भावुक प्रेमी की निमाई दिन रात कृष्ण नाम लेते ही आंखों से आंसुओं की झरी बहती हैं, दिन रात कृष्ण नाम से रोते हैं हैं। इसलिए महाप्रभु जब आए बच्चों को पढ़ाने के लिए पहले तो संस्कृत पढ़ाई होता था, जब उन्होंने पुस्तक को खोले ना
उसका सूत्र, उसका वृत्ति, उसको टीका में केवल भगवान का नाम के सिवाय कुछ नहीं, केवल भगवान का नाम ही उन्होंने व्याख्या की। अभी स्टूडेंट लोग आए, बोले पंडित जी को क्या हो गया, ग्रंथ खोलते कृष्ण कृष्ण राधे राधे राम सिवाय कुछ बात नहीं करते। फिर उन्होंने को गुरु जी से शिकायत किया, उनका गुरु जी का नाम था गंगादास पंडित महाप्रभु का है। जब बोले गुरु जी पता नहीं जब से निमाई पंडित आए तब से ग्रंथ खोले तो कृष्ण सिवाय तो और कुछ बोलते नहीं, और कृष्ण नाम लेते ही आंखों से आंसुओं की झड़ी बहने लग जाती है। गुरुदेव व्यक्ति ने बुलाए, बोले निमाई में क्या सुन रहा हूँ, तो टीचर हो, बच्चों को विद्या दान करो, सबसे बड़ा दान है विद्या दान, बच्चों को विद्या दान करनी चाहिए। महाप्रभु वहां चैलेंज करते हैं, महाप्रभु आकर बोले ऐसे कोई है मैं जो व्याख्या करता हूँ उसको उल्लंघन, उसको कोई खंडन कर सकता है, किसका हिम्मत है। फिर महाप्रभु सब कुछ उन्होंने कृष्ण कृष्ण पर व्याख्या किया, जो महाप्रभु ने जब सब कुछ उन्होंने कृष्ण पर व्याख्या की थी वही चीज को परवर्ती समय में श्री सनातन गोस्वामी ने परवर्ती समय में एक ग्रंथ लिखे जिसका नाम लघु व्याकरण, छोटे रूप में लिखे। लेकिन जीव गोस्वामी जब देखे श्री सनातन गोस्वामी लिखे महापुरुष से वही चीज को लेकर के महापुरुष सूत्र रूप में दिया, लेकिन देखा ये काफी नहीं है। अगर एकदम संपूर्ण रूप में शास्त्र में कोई प्रवेश करना चाहता है ये काफी नहीं। फिर उन्होंने ये हरिनामृत व्याकरण को फिर बड़ा रूप में विस्तृत रूप में उन्होंने हरिनामृत व्याकरण को रचना किया, अद्भुत व्याकरण है। अगर उसको कोई व्याकरण को पढ़ेगा ना ग्रामर को, ग्रामर की ज्ञान भी होगा, उसको साथ साथ में ठाकुर का भजन भी हो जाएगा। इसलिए जैसे हमने उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे हम माला जप करते ना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, उसका सूत्र को जब आप पढ़ोगे ना सूत्र भी उच्चारण हो जाएगा, उसके साथ साथ में ठाकुर को भी हरिनाम भी हो जाएगा। इतने सुंदर रूप में उन्होंने ग्रंथ किया, इसलिए हम लोग इनकी विशेष ऋणी है, हैं विशेष ऋणी। इसके बाद बोलो, इसके बाद उन्होंने विशेष करके दो दिग्विजय पंडित को परास्त किया। एक तो इन्होंने एक ऐसे पंडित को परास्त किया जिनका बहुत नाम था उस समय पे, इतना पढ़ाई वढ़ाई नहीं था, बस संस्कृत भी पढ़ते थे, संस्कृत में बातचीत करते थे, सारे के सारे शास्त्र ग्रंथ सब को साथ में लेके चलते थे। और ऐसा एक दिग्विजय पंडित था जो हर जगह पे जाता था सबको परास्त करता था, उसके सामने कोई टिक नहीं पाता था। ऐसा एक दिग्विजय पंडित था तो वो पूरा हाथी के ऊपर चलता था, बैठ के जाता था, और जो भी जिसको भी परास्त कर लेता था उसको नीचे नीचे पैदल चलने के लिए मतलब उसको इंसल्ट करता था। तो ये जब घूम घूम के जब उसी दिग्विजय पंडित ने श्री वृंदावन धाम में आया तो इन्होंने सोचा, इन्होंने सुना पंडित ने कि यहाँ पे जीव गोस्वामी नाम का एक बड़े धुरंधर पंडित है जिन्होंने हरिनामा मृत व्याकरण के ऊपर बहुत सुंदर विस्तृत लिखा है, बहुत सारा ग्रंथ लिखे है। अब ये सोच रहे हैं कि मैं अगर इनसे इनको अगर परास्त कर लूंगा, इनसे मैं जय पत्र ले लूंगा तो पूरा का पूरा दिग्विजय हो जाएगा, बस वृंदावन ही बाकी था। अब इन्होंने जीव गोस्वामी पास के पास गए इनको परास्त करने के लिए। उस समय जीव गोस्वामी पास जमुना जी में स्नान कर रहे हैं। अब जमुना जी में स्नान करते हुए अब ब्राह्मण जी कहते, ब्राह्मणों का जैसे नियम होता है स्नान करने के बाद क्या करते हैं, आजकल तो सब गया है, ब्राह्मण का नियम होता है जब नदी में स्नान करते हैं वो दो हाथ में अंजलि से उठा के पानी लेके सूर्य देव को तर्पण करते हैं, संध्या वंदना करते हैं, जल देते हैं, अर्घ्य देते हैं। तो जीव गोस्वामी पास में अर्घ्य दी ने, तब ये इसको मौका मिल गया, ये सोच रहा है इसी बात को तर्क करके उनको खंडन कर दूंगा, चलो यही सही मौका है। तो चला गया जीव गोस्वामी पास, नदी से जमुना जी से ऊपर उठ रहे और बोलते कि आप तो तर्पण किए ही नहीं, आप तो मतलब आपका मतलब ऐसे ऐसे बोल के उनको बात को खंडन करना शुरू किया। तब जीव गोस्वामी पास में एक बड़े अच्छे बात बताते हैं, वहां पे जीव गोस्वामी पास बता रहे हैं कि जिसके हृदय में भगवत भक्ति का जो भाव प्रकाशित हो जाता है उसके हृदय में अज्ञान रूपी का जो दुहिता, यहाँ बोल रहे हैं कि अज्ञान रूपी का जो दुहिता वो क्या होता है, उसके हृदय में छोड़ के चले जाते हैं। तो इसी प्रकार बातचीत में उन्होंने दो श्लोक में ही, केवल दो श्लोक में ही वहां पे जीव गोस्वामी पास ने क्या किया, पूरा पूरा वो जो पंडित था उसको अपना चकमा चूर में था, वो भागे हुए बोले ये मेरे बस के बात नहीं, ऐसा उन्होंने परास्त किया था। और दूसरी बात प्रभु जी जैसे बोल रहे थे रूप गोस्वामी पास के समय के एक बार उसमें जो वो संध्या वंदना कर पगर किए हुए उन्होंने ऊपर आ गए, जब आ गए बोला अब कैसे ब्राह्मण हो,
वो सोच रहे थे बात बात में उसको परास्त कर दे, लेकिन इनका इतने तेज दिमाग उनको क्या पता था। बोले कैसे ब्राह्मण तो है स्नान किया सीधा ऊपर कोट पर उठ गया, तुमने संध्या वंदना कब की? नियमक ठाकुर के दिन। तब उन्होंने एक श्लोक, उस श्लोक मेरी याद नहीं आ रही, उस श्लोक मेरे कापी में लिखा हुआ कहते, देखो जब कोई व्यक्ति मर जाते हैं ना, जब कोई व्यक्ति मर जाते हैं फिर संध्या वंदना पूजा पाठ नहीं करते ना, पूजा पाठ नहीं करते जब कोई व्यक्ति मर जाते। वो उदाहरण देते हैं, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं एक साथ में क्या होता है, भक्ति करने का साथ साथ भक्ति रूपी हृदय में, भक्ति रूपी जो द्विता, द्विता मतलब बेटी, भक्ति रूपी बेटी हृदय में जन्म लेती है। जब भक्ति रूपी बेटी जन्म लेती है, अज्ञान रूप जो अंधकार रूपी जो बेटी वो मर जाती है। हृदय में भक्ति रूपी बेटी जन्म होते ही अज्ञान रूपी अंधकार रूपी बेटी मर जाती है। जब मर जाती है, एक जन्म लिया मर गया, इसको उसमें स्तुति का मानते हैं ना, उस समय संध्या वंदना नहीं करते, कहते फिर हम संध्या वंदना कैसे करूं। उनको क्या पता था बात बात में उनको परास्त कर देगा। उनका मुंह तक एकदम नीचा हो गया, बोले बाबा इतना बड़ा विद्वान है, वहां से भाग गया उसने। फिर जो रूप गोस्वामी जो मंगलाचरण लिख रहे थे, एक बार वल्लभाचार्य आए, तो ये जो वल्लभाचार्य ये उस समय के बहुत बड़े विद्वान थे। श्रीमद भागवत जी में ये सुबोधनि नाम का एक टीका लिखते हैं, प्रभु जी बोलते हैं सुबोधनि नहीं दुर्बोधनि बोलते हैं गुरु जी। तो उन्होंने ऐसा ऐसा दिग्विजय को, मतलब ऐसा ऐसा मायावाद को खंडन किया था उन्होंने, वल्लभाचार्य उस समय का बहुत बड़े विद्वान हुए, और जिस जिस जगह पे जाते हैं उनको 108 सोने के कलश से उनको अभिषेक किया जाता है। फिर इन्होंने आके देखे कि मंगलाचरण में, बोले रूप तुम क्या लिख रहे हो? तो रूप गोस्वामी ने मंगलाचरण दिखाए, तो मंगलाचरण में एक जगह पे लिखे हैं कि भुक्ति मुक्ति पिताजी जावत रुधि वर्तते, कि भुक्ति मुक्ति का अगर अगर हृदय में रहेगा तब तक कृष्ण वहां पे आके नहीं बैठेंगे। तो इसको देखो तो बोल रहे हैं कि ये जो मुक्ति को पाने के लिए जो ज्ञानी लोग क्या क्या करते हैं, तुमको तुमने इसको पिशाची के सामने तुलना किया? तुम एक काम करो, तुम जब ये ग्रंथ लिख दोगे फिर उसके बाद तुम मेरे पास आना, ये ग्रंथ मुझे दे देना, मैं करेक्शन करूंगा। अब यहाँ पे जीव गोस्वामी उनके जो सेवा में थे रूप गोस्वामी का, उनके अलर्ट कर रहे थे, तब इनको बहुत बड़े गुस्सा आया, क्योंकि जो गोल होता है किसका होता है, वो बद्ध जीव का होता है, लेकिन रूप गोस्वामी साक्षात राधा कृष्ण के रूप मंदिर है, उनका वो मुक्त आत्मा, उनका कोई भूल नहीं हो सकता। बोले मेरे गुरुदेव को ऐसे बोले, बोले गुरुदेव मैं अभी आता हूँ। फिर उन्होंने गुरुदेव के प्रणाम करके फिर चले गए। फिर उनको जाकर पूछा, फिर आप क्या देखे मंगलाचरण मुक्ति मुक्ति, बोले मुक्ति को जो ज्ञानी लोग इतने इतने इम्पोर्टेंट देते हैं, और उसी मुक्ति को आपने पिशाची के सामने तुलना किया है। तब जीव गोस्वामी बात वहां पे बताते हैं कि भुक्ति मुक्ति का जो प्रिया है उसको वहां पे गुरुदेव ने रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है। फिर उन्होंने एक टीका में लिखा कि किस प्रकार, टीका में जीव गोस्वामी पाद एक टीका लिखा, उस टीका में बता रहे हैं कि मान लो किसी को भूत लग गया है, भूत लग जाता है ना, जैसे किसी को नहीं लगा होगा तो सुने तो हमारे गाँव में कैसे कैसे किसी किसी के अंदर स्पिरिट चला जाता है, तो वो ही बात बोलता है कि तुम कहाँ से आए हो, अपना खुद का नाम नहीं बोलेगा, जहाँ पे आया उसका नाम बोलेगा। तो मान लो किसी को भूत लग गया है, अब भूत लग गया तो वो बहुत बहुत खाना खाने के लिए मांगता है, बहुत सारा खाना खाने के लिए मांगता है। हमारे उड़ीसा में ऐसा हुआ है कि जो पानी रहता ना जो जूस, जैसे उस दिन हमारे गोरसुंदर को बनाए थे नवाब, पूरा ऐसे मटकी मटकी भर पी लेते हैं, पूरा इसी प्रकार का भूत रहते हैं, और पी तो लेता है लेकिन उनका शरीर मोटा नहीं होता, खाक पी क्या होता है पूरा दुबला पतला हो जाता है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो कौन पी रहा है, वास्तव में वो जो उसके अंदर जो भूत है जो पिताजी है वही पी रहा है। तो यहाँ पे जीव गोस्वामी पाद बोल रहे हैं चाहे ज्ञान मार्ग में जो कुछ भी ना हो जाओ, लेकिन उसके अंदर जो पिताजी मुक्ति के जो प्रिया है, मुक्ति के जो वांछा है, वो क्या करेगा, सबको खा देगा। यहाँ पे हमारे भक्ति विनोद ठाकुर भी लिखते हैं ना कि जैसे कि क्या हो कि मुक्ति नामे पिशाची ने तारारति काहे जानी सर्वत्र संपत्ति की लिखा है, तदुभय त्याग कर मुक्ति कथा परिहर लक्ष्मीपति राखो अति दूरे, श्री सचिनंदन तने श्री नंदन नंदन तने एक करि करवा भजन श्री मुकुंद प्रियजन तोमा लगे गुरुदेव जानी मन तोमा लगे प्रति तपो। यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर्वत्र संपत्ति के लिए खाए मुक्ति नामे पिशाची नहीं, क्या करता है सब कुछ खा देता है, पूरा निगल लेता है। तो इसको रूप गोस्वामी बोले, तो इन्होंने देखा भाई ये तो बड़े पंडित है, लिखने में छोटा है,
फिर उन्होंने फिर जाके रूप गोस्वामी बात को बोलते हैं वल्लभाचार्य जी कि आप जो मंगलाचरण लिखे हो आप करेक्शन मुझे नहीं करना। फिर रूप गोस्वामी बात को पता चल जाता है कि जरूर जीव गोस्वामी जीव ने कुछ किया। फिर जीव गोस्वामी बात को बुला के बोलते हैं तुमने कुछ बोला, हाँ मैंने बोला खंडन किया। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखो रूप गोस्वामी का शिक्षा दे रहे हैं हमारे विचार क्या है महाप्रभु का वाणी तृणादपि सुनिश्चय न तरु रूपी सहिष्णुता हमें उसमें पूरा अमल करना है। तुम चाहे कोई वैष्णव अगर थोड़े से सम्मान के लिए अगर हमारे पास आए तो दे दिया तो हमारा क्या हो गया, तो हमको सम्मान देना चाहिए। तुम तुम्हारे अभी वैष्णव अपराध है, तुम भागो इधर से। तो जीव गोस्वामी पाद वहां से चले जाते हैं भयग्राम, भयग्राम चले जाते हैं और जैसे बता रहे थे विस्तृत नहीं जाऊंगा। तो भयग्राम चले जाते हैं वहां पर राग बोल के पी लेते हैं जो मगरमच्छ होता है वहीं पे बैठ के वो भजन करने लगते हैं रोने लगते हैं। और वहीं पे ही जीव गोस्वामी पाद भयग्राम में ही जो सड़क संदर्भ है संबंध अभिदय प्रयोजन उसको वहीं पे ही जीव गोस्वामी पाद ने रचना किया है। फिर यहाँ पे जब सनातन गोस्वामी पाद उनको ब्रज में बड़े बाबा बुलाते हैं। अब बड़े बाबा कुछ दिन बाद आए ब्रज में तो सब लोग बोले बाबा आपसे भी बड़ा एक संत है। बोले मुझसे ही बड़ा? बोले हाँ आपसे भी बड़ा संत है, राग खोल के पी लेता है, आप तो कुटिया में रहते हो वो तो क्रोकोडाइल जो क्या मगरमच्छ के साथ में रह जाता है, हम तो आपको कुछ माधुकरी दे देते हैं लेकिन उनको देने पर भी वो कुछ लेते ही नहीं। बोले दिखाओ चलो। फिर सनातन गोस्वामी पाद को जब ले जाते हैं ब्रजवासी लोग को देखते हैं अरे ये तो जीव गोस्वामी है, ये जीव है। फिर जीव गोस्वामी को सनातन गोस्वामी लेके रूप गोस्वामी पाद को जाते हैं। फिर बोलते हैं बोले रूप महाप्रभु का क्या विचार है? बोले जीवे दया कृष्ण नाम वैष्णव सेवन, जो तीन विचार है कि जीवे दया कि जीव क्या जीव नहीं है इसके ऊपर तुम क्या दया नहीं करोगे। फिर जी रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को फिर स्वीकार किया। यहाँ पे हमारे नारायण सेवा विग्रह ठाकुर एक अच्छे प्यार में बता रहे हैं कि सिजीवे रो गुरु भक्ति जानिए मने दे सकती। जीव गोस्वामी का जो गुरु भक्ति है उसको जानने के लिए बहुत बहुत शक्ति का आवश्यकता है। जो भक्ति रूपी जो शक्ति के हमारे हृदय में जो मैला है उसको पहले हटाना पड़ेगा इस शक्ति को बोले। फिर अनुक्षण करे सेवन, हर मुहूर्त में जीव गोस्वामी पाद रूप गोस्वामी पाद की सेवा करते हैं। फिर श्री गोसाई आज्ञा दे रहे सदा सेवे सिरे धरे, जो गोस्वामी रूप गोस्वामी पाद जिस आज्ञा को देते हैं वो हर समय अपने तिरोधार्य करते हैं। अन्य ना जानी है तारु मन, भक्त जी उनका मन को क्या जानेंगे। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अन्य ना जानी है तारु मन, उनके मन को कोई नहीं जान सकता। इसलिए यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं कि देखो क्या जीव गोस्वामी से प्रश्न उठता है, जीव गोस्वामी से कुछ अपराध हो गया था क्या? बोले जीव गोस्वामी से अपराध नहीं हुआ, वो भी मुक्त पुरुष। रूप गोस्वामी वो भी मुक्त पुरुष, ये राधा कृष्ण का विलास मंजर ही वो है रूप मंजर। तो इनका कहते हुए मतलब जो अपराध जो नष्ट मतलब क्या होता है जो अपराध होता है वो सब मुक्त आत्मा का नहीं होता बद्ध जीव का होता है। तो इन्होंने यहाँ पे दो शिक्षा दिया। रूप गोस्वामी शिक्षा देते हैं हमारे क्या है ना, जो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि सकल सम्मान करे से सकृति देवानाथ जता जता तबे तो गाय को हरि नाम सुखे अपराध हो गया था। कि सबको जो जिस प्रकार के वैष्णव है उनको उसी मात्रा में उसी प्रकार का प्रसन्न करने के लिए उसी प्रकार का सम्मान देना चाहिए, तब तो जाके प्रसन्न हो गए वो वैष्णव। फिर और वैष्णव अपराध कर दिया फिर अपराध होगा तो हरिनाम में रुचि कहां से आएगा। तो इसीलिए रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि कभी भी वैष्णव निंदा नहीं करना चाहिए। और दूसरे बात जीव गोस्वामी दूसरी तरफ जीव गोस्वामी क्या शिक्षा दे रहे हैं, जीव गोस्वामी शिक्षा दे रहे हैं कि देखो अगर कहीं गुरुदेव का अगर अपराध गुरुदेव का अगर कहीं पे निंदा हो रहा है गुरुदेव का निंदा हो रहा है तो उसको सहन नहीं करना चाहिए, झट करके उनको क्या करना चाहिए तुरंत ही खंडन कर देना चाहिए। अब यहाँ पे आगे नहीं जाएंगे समय हो गया, बस एक मिनट और बोल देता हूँ मैं कि इनके ऊपर तीन अपवाद है, इनके जीवन चरित्र में तीन अपवाद है। एक अपवाद तो ये तृणादपि, कोई कोई बोलते हैं कि तृणादपि सुनिश्चय में ही है। क्यों तृणादपि सुनिश्चय में ही क्यों बताया है इनको? यहाँ बोल रहे हैं कि इन्होंने एक वैष्णव वल्लभाचार्य का क्या किया ना खंडन कर दिया, उनके अंदर में दीनता नहीं है। जब जब भी रूप गोस्वामी बोल रहे कि सबको अच्छे से सम्मान करना चाहिए जथा जो वैष्णव को सम्मान करना चाहिए, इन्होंने क्या तृणादपि जो भाव है इन्होंने अपने हृदय में नहीं लाया, ये बोले बात अपवाद बोलते हैं। लेकिन वास्तव में जो तृणादपि सुनिश्चय के जो मूर्तिमान स्वरूप है वो है हमारे जीव गोस्वामी। अब बताओ लंका को कौन जलाया, हनुमान ने? अब हनुमान को बोलोगे हनुमान के अंदर तृणादपि सुनिश्चय गुण नहीं है क्या, इतने बड़े लंका को जला लिया। तो यहाँ पे बता रहे हैं
कि जिस प्रकार की जो वास्तविक तृणादपि सुनिश्चित क्या है कि हमारे परम गुरुदेव बोलते हैं कि परम गुरुदेव बोलते हैं दोष देखना ही मेरा स्वभाव है। यद्यपि दोष को वैष्णव जगत में बड़े बड़े मतलब खंडन करते हैं तो कहां दोष देखना सेवा है, बोले परम गुरुदेव की प्रभुपाद के विचार में अगर कोई भी थोड़ा सा मिलावट कर दे तो वहां पे परम गुरुदेव आचार्य सिंह अपने सिंह के स्वरूप दिखाते हैं और वहां पे पत्र लिखते हैं और हर तरीके से खंडन करते हैं। इसलिए यही वास्तविक तृणादपि सुनिश्चन है कि हमको क्या करना है, अगर हमारे सामने गुरु वैष्णव का अगर कहीं पे निंदा हो रहा है और कहीं पे गुरु वैष्णव का कुछ सिद्धांत का खंडन हो रहा है, अपर सिद्धांत घुस रहे हैं, तो हमको वहां पे जता सकते अपने वाणी के द्वारा कर्ण विधाय गुरुदेव बोलते हैं और छिंदन भी उसको जीवा को छेदना चाहिए, मतलब क्या तो जीवा को काटने के लिए नहीं बोलते जेल हो जाएगा, बोल रहे वाणी रूपी जो शास्त्र के द्वारा उसको जीवा को ऐसे बंद कर दोगे और कोई बोल ही नहीं पाए। और दूसरा अपवाद ये बोल रहे हैं कि ये जो जीव गोस्वामी पाद है इन्होंने स्वकीय रस का विशेष रूप में प्रतिवाद मतलब प्रचार किया और परकीय भाव को प्रचार किया ही नहीं। तो हमारे जितने भी गोस्वामी परकीय भाव है जहाँ प्रजा से प्रचार परकीय भाव को सब हमारे गोस्वामी वर्ग ने बड़े अच्छे से प्रचार किया। अब इन्होंने एक गोपाल चंपू नाम का एक ग्रंथ लिखा जिस ग्रंथ को पढ़ने से पता चलता है कि इन्होंने वहां पे उल्लेख किया कि राधा और कृष्ण का गांधर्व मिलन मतलब गांधर्व विवाह के बारे में इन्होंने उसी गोपाल चंपू के ग्रंथ में लिखा। तो सब लोग बोलते हैं कि अरे यहाँ पे तो इन्होंने स्वकीय भाव का प्रचार कर दिया। तो यहाँ पे गुरुदेव बोलते हैं कि गुरुदेव बड़े अच्छे उदाहरण देते हुए बोलते हैं कि मान लो अगर कोई यहाँ पे शादी कर लिया पड़ोस से, अगर उसका ट्रांसफर हो गया उड़ीसा से और उड़ीसा जाकर क्या दूसरा बार शादी करेगा, फिर वृंदावन जाएगा वृंदावन पे क्या तीसरी बार शादी करेगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो नित्य धाम है नित्य धाम से आते हैं फिर नित्य धाम के आने के बाद यहाँ हमको शादी वादी करने की कोई जरूरत नहीं है, तो वहां से ही यहाँ तक नित्य धाम से ही जो ज्वल किशोर यहाँ पे आए हैं। फिर भी हम जब जाते हैं कौन सा एक वन भांडिर वन भांडिर वन में जो ब्रजमंडल परिक्रमा समय पे जाते हैं वहां ब्रह्मा जी ने भी ये बात को दिखलाया कि किस प्रकार राधा कृष्ण का शादी किया। लेकिन जो स्वकीय जो परकीय भाव है ये बद्ध जीव नहीं समझ सकते, पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा मूवी भी निकाल देते हैं जो कृष्ण लीला निकाला था पता नहीं उसमें क्या क्या, फिर बाद में उनको ऊपर केस हुआ तो वो बोले कि हमको परकीय भाव को आस्वादन कर उनको ऊपर जब केस हुआ था वो कि हमको परकीय भाव का आस्वादन करें। तो इसी प्रकार ये जो विचार है उन्होंने वास्तव में ही परकीय रस का प्रचार किया है। और तीसरा जो है ये जो जीव गोस्वामी है वो हमारे संप्रदाय के सिद्धांत का आचार्य है। सिद्धांत का आचार्य जो होने पर वहाँ पर लिखा है किंचित स्वइच्छा या किंचित पर इच्छा है वहाँ पर, इसका मतलब है कुछ तो मैं अपना इच्छा से कुछ दूसरों को इच्छा के लिए मैंने लिखा, क्योंकि जो साधारण लोग ये परकिया नहीं समझेंगे, लेकिन साधारण लोग क्या समझेंगे पति को पत्नी को साथ में ही रहनी चाहिए, जिस पत्नी को साथ में तुम्हारी शादी हुई पत्नी को साथ में ही हमें जीवन बितानी चाहिए, पत्नी की छोड़कर अगर किसी दूसरे स्त्री से को साथ में रहोगे ये समाज थोड़ी स्वीकार करेगा, नहीं स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए लेकिन ये जो स्वीकार नहीं करेगा इसलिए उन्होंने साधारण जीव भ्रमित नहीं हो जाए हैं, इसलिए उन्होंने ये सब चीज को लिखे। लेकिन जो पर गया रूप गोस्वामी का शिष्य है महाप्रभु धारा में, लेकिन अंदर में ये पर गया बात उन्होंने अंदर में स्थापन किया, इसलिए इसी विषय को लेकर बड़े उल्टा पुलटा चीज है। फिर तीसरा अपवाद बोल रहे हैं कि जिस समय कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने चैतन्य चरितामृत का जो पूजा की भोग लग गया तो मंदिर खोल देना तरुण जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने जो ग्रंथ लिखा था उसी ग्रंथ को इन्होंने क्या किया चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को इन्होंने कुएं में फेंक दिया। ये लोग बोलते हैं जीव गोस्वामी ने उसको मतलब द्वेष पूर्वक कुएं में फेंक दिया, बोले ऐसा कदापि नहीं है, जीव गोस्वामी पाद कौन है राधा कृष्ण का नित्य विलास मंजरी है और उनके अंदर ये काम क्रोध लोभ मोह मत्सरता कुछ भी नहीं है और नित्य साधन अवस्था में भी वो क्या करते हैं वो नित्य स्वरूप को नित्य धाम को दर्शन करते हैं, वो नित्य लीला उनके हृदय में पूरित होता है, तो ये पूरा का पूरा झूठ बात है। फिर इन्होंने जीव गोस्वामी पाद ने तीन शिष्य को विशेष करके श्रीनिवास आचार्य प्रभु श्यामानंद प्रभु और नरोत्तम प्रभु इनके तीन शिष्य को अपने सारे के सारे जो सिद्धांत को इनको पढ़ाया और तीन दिशा में भेजा। श्री नरोत्तम दास ठाकुर को इन्होंने मणिपुर में भेजा और श्रीनिवास आचार्य ठाकुर को इन्होंने
बेंगलोर पे भेजा और फिर सामानंद प्रभु को हमारे उड़ीसा पे भेजा। उड़ीसा पे इसलिए इनका नाम ये भी सामानंद प्रभु है। हमारे उड़ीसा में जितने भी है उनको नाम लूंगा शायद नहीं जान पाओगे, ये भी मंदिर है ना, ये भी गुप्त तीर्थ स्थल है, तो जो जहाँ पे महाप्रभु कभी गया करते थे वहां पे, जहाँ पे कभी महाप्रभु का चिन्ह है ऐसा भी कुछ है, कानपुर नाम का स्थान, वहां पे राधा कुंड श्याम कुंड भी है, राधा मोहन जी राधा विनोद राय जी ऐसा ऐसा स्थान है, गढ़ चंडी, तो जितने भी जगह है और भुवनेश्वर में भी एक जगह है बालोकाठी नाम का उसमें भी है, तो बहुत जितने भी जगह है, तो ये सामानंद प्रभु ने हमारे उड़ीसा को आके ही सबको अद्भुत किया। अब हमारे बस गुरुवर्ग के विचार अगर देखेंगे कि जो प्रभुपाद है वास्तव में कौन है, जीव गोस्वामी का जो वाणी है, जीव गोस्वामी का सिद्धांत को इसमें किसी में ताकत नहीं कि जीव गोस्वामी को सिद्धांत को खंडन कर सके, तो जीव गोस्वामी का जो विचार है वो प्रभुपाद का विचार है, इसलिए वहां पे बोलते हैं ना रघु रूप सनातन कीर्ति धर्म धरणी तन कीर्ति जीव कभी, ये जो जीव गोस्वामी की जो वाणी है, जीव गोस्वामी की जो सिद्धांत है वो साक्षात प्रभुपाद ही है। प्रभुपाद के विचार अगर देखोगे तो एक एक मतलब 10 बार पढ़ना पड़ता है क्या लिखे हैं, इतना डिफिकल्ट उतना टॉप उनका जो सिद्धांत है। और इनके जो 3 तत्व हमने पहले ही बताया संबंध अभिधेय और प्रयोजन, ये हमारे 3 आचार्य हुए। कौन संबंध तत्व कौन देते हैं, हमारे भक्ति वामन गोस्वामी महाराज जी ये दीक्षा देते हैं, दीक्षा देकर कृष्ण के साथ संबंध करवाते हैं। अभिधेय तत्व कौन देते हैं, मुझे पास भक्ति वेदांत विक्रम गोस्वामी महाराज जी ये शासन करते हैं किस प्रकार क्या करना है, किस प्रकार भजन में प्रवृत्ति होना है। और तीसरे तत्व जो प्रयोजन तत्व हमारे लक्ष्य क्या है कौन देते हैं, हमारे गुरुदेव जी, हमारे लक्ष्य राधा दास्यम है। तो ये जो 3 तत्व है पूरा का पूरा हमारे गुरु परंपरा में आया। 13 गुरु जी का भी विशेष महत्व है कि गुरु जी नहीं होते तो मैं भी यहाँ पे जीव बोलते हैं क्या कुछ भी नहीं आता, ऐसे बाहर लोगों की तरह बस खाना पीना सोना करके बस कुछ ही नहीं आता, तो गुरु जी का भी विशेष अवदान है जिनके कृपा से हमने ये गोस्वामी के वर्ग का जो जीवन चरित्र है उसमें थोड़ा थोड़ा प्रवेश किया और थोड़ा थोड़ा उनके बारे में जानने की कोशिश किया, और बस यही उनके चरण में पुष्पांजलि देते हुए इसलिए अभी मंदिर खोल दो। आज हमारे कौन गौर सुंदर प्रभु जी बंगाल में एक पिठा बना होता है जो कि उधर का लोग उसको बना कर खाते हैं, इसलिए हमारे गौर सुंदर प्रभु कहाँ गए, हाँ एक विशेष बंगाल का एक चीज बनाए आप लोग प्रसाद पा कर जाना, ठीक है दोनों में थोड़ी थोड़ी आपको देंगे, आपका पता चलेगा बंगाल में कैसे बंगाल का लोग कैसे खाते हैं और महाप्रभु को क्या भोग लगाते थे उसको, अभी आपको मिलेगा फिर प्रसाद लेकर जाना, ठीक है। इसलिए आज से जीव गोस्वामी का आज तिथि है, वो हम सबको ऊपर भी कृपा करें आशीर्वाद करें, क्योंकि आप लोगों ने श्रवण किया ही हमारे तत्वाचार्य है मतलब तत्वों को देने वाले, इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं जो तत्व चीज ना थोड़ा कठिन ही है समझना होता है, लेकिन कहते हैं उसमें आलस्यता मत करो, अगर जब तक ये तत्व चीज को नहीं समझोगे ना तुम्हारी भक्ति भी इतना पक्की नहीं होगी, फिर भक्ति डामांडल जहाँ इधर घुस जाएंगे फिर उधर घुस जाएंगे फिर उधर घुस जाएंगे हैं, लेकिन अगर तत्व तुम्हारी पक्की होगी तो भक्ति भी पक्की। इसलिए वामन गोस्वामी महाराज कहते थे अपना संप्रदाय का विचार जो जितने अच्छे तरह से समझ गया उसका भक्ति में उतना ही प्रवेश है, और जो भक्ति सिद्धांत को जो नहीं जानते ना उसका भक्ति भी पक्की नहीं वो डामांडल भक्ति है। इसलिए श्री हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं हैं हमारे श्री भक्तिमन ठाकुर श्री जीव गोस्वामी का भी सिद्धांत सलीले घुछाई वे तरका नल जाहे चित्त जल, वो कह रहे हैं कब ऐसे दिन आएगा जब श्री जीव गोस्वामी हमें सिद्धांत रूपी पानी में हमें स्नान कराएंगे, क्योंकि हमारे हृदय में तरह तरह का तर्क वितर्क है, हम ये क्यों नहीं करें ये क्यों करें ऐसे करने से क्या होता है ऐसे नहीं करने से क्या होता है तरह तरह का तर्क वितर्क है, लेकिन जीव गोस्वामी की कृपा से ही हृदय से ये तर्क वितर्क हृदय खत्म हो जाती है और शुद्ध भक्ति के हृदय में प्रकट होता है। और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा जैसे भागवत में 10वां स्कंद, लेकिन उन्होंने आनंद उन्होंने क्या लिखा गोपाल चंपू उन्होंने लिखे गोपाल चंपू 2 घंटे में उन्होंने गोपाल चंपू अद्भुत ग्रंथ लिखे, कृष्ण की नई नई सुंदर सुंदर लीला उन्होंने वर्णन किया, कृष्ण लीला कौन वर्णना कर सकते हैं जो वहीं पर वही है ना राधा कृष्ण गोलोक वृंदावन में वही वर्णना कर सकते हैं, इसलिए ये कृष्ण लीला में कौन है बिलास मंजरी है बिलास मंजरी, इसलिए
होने के नाते राधा कृष्ण का नित्य लीला को दर्शन करते हैं राधा रानी के पास में, इसलिए उन्होंने अद्भुत रूप में, और उन्होंने जैसे श्री सुखदेव गोस्वामी जब लीला वर्णना कर रहे थे ना, जैसे टीवी हम सीरियल देखते हैं, वो जैसे सीरियल देखते हैं जैसे उनका हृदय में लीला उतर रही थी वैसे वर्णना कर रहे थे, लेकिन आवेश में आकर के जो लीला पहले बोलनी चाहिए उसको आगे बोल दिया, जिसको आगे बोलनी चाहिए उसको बाद में बोल दिए, लेकिन कौन सा लीला को उन्होंने आगे बोलनी चाहिए पहले बोल दिया ये चीज को कौन बोल सकता है? श्री जीव गोस्वामी कहते नहीं, इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी ये लीला को उन्होंने जो बोले नहीं ये आगे के लिए पहले लीला है, लेकिन वो जैसे हृदय में जैसे जैसे टीवी में जैसे सीरियल देखते हैं वो जो देखा उन्होंने उसको ही बोल दिया, इसलिए ये चीज को उन्होंने वर्णना किया, इसलिए उन्होंने इनका टीका है जीव श्री कृष्णा जैसे लघु भागवतम बृहद भागवतम जो मैंने मैंने जो श्लोक ब्रज लीला उसको बड़े सुंदर सुंदर टीका है श्री जीव गोस्वामी की, और श्री जीव गोस्वामी की जो रासलीला कोबर में भी जीव गोस्वामी का टीका अद्भुत टीका उन्होंने लिखे, जैसे विश्वनाथ कवि ठाकुर और श्री जीव गोस्वामी अद्भुत अद्भुत रूप में टीका लिखे, इसलिए टीका इतना राधा कृष्ण का चरण में कौन सा चिन्ह है, राधा रानी के चरण में क्या चिन्ह है, कृष्ण चरण में क्या चिन्ह है, कौन सा चरणों को स्मरण करने से तुमको क्या फल मिलेगा, जैसे उनके चरण में कौन सा है जैसे कमल पुष्प, अगर उसको स्मरण करोगे ना जैसे कमल का खुशबू आती है तुम्हारे जीवन में भी खुशबू आएगी, उनकी चरण में जाव है अगर उसको स्मरण करोगे तो घर में लक्ष्मी आएगी, उनकी चरण में अंकुश का चिन्ह है मन बड़ा चंचल है अगर उसको याद करोगे ना तुम्हारे मन इधर उधर नहीं भटकेगा, स्वस्ति चिन्ह अगर उसको स्मरण करोगे जीवन में तुम्हारे मंगल मंगल होगा सारे अमंगल जीवन में, तो इसलिए राधा रानी के चरण में क्या चिन्ह कृष्ण चरण में उसको कौन बोलेगा बताओ, जो देखा होगा तो ही बोलेगा ना, बिना देखे से बोल सकता है, इसलिए उन्होंने जो लघु जैसे भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का टीका उन्होंने लिखे, और श्री उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ का अद्भुत उन्होंने टीका लिखे उनका, हाँ ब्रह्म संहिता का टीका अद्भुत रूप में टीका लिखे, इनके बारे में अगर विवेचना करेंगे ना सारा पूरा जीवन आप लोग इनकी ग्रंथ पढ़ सकते हो तभी समाप्त नहीं होगा, उन्होंने इतने ग्रंथों को उन्होंने प्रणय ने उन्होंने इतने ग्रंथों को राधा कृष्ण का विवाह महोत्सव को उन्होंने वर्णना किया है अद्भुत अद्भुत, इसलिए आज इनका तिरुभाव हमारे संप्रदाय में पूरा उन्होंने पूरा जो व्याकरण लिखा ना बोले हमारे संप्रदाय का लोग कहीं तुमको जाने का जरूरत नहीं, कहीं हाथ फेराने का जरूरत नहीं, मैं सब कुछ दे करके जा रहा हूँ अपना संप्रदाय के ग्रंथ को अध्ययन करो बस कहीं जाने का जरूरत नहीं, इसलिए उन्होंने सारे ग्रंथों को परिपूर्ण रूप में लिखे, आज इनकी तिरुभाव कि हम सबको ऊपर में कृपा करे जैसे हमारा हृदय भी एकदम पक्के जैसे बने और इधर उधर जैसे हम भटक नहीं और महाप्रभु धारा में अभिषिक्त होकर के उनकी कथा को अनुसरण करें पढ़े और जगत में इनकी वाणी को हम प्रचार प्रसार करें, बोले श्री जीव गोस्वामी पाद की सफर कर गौर हरि की जय गौर ब्रह्मानंद हरि। अब जाते समय ना वहाँ दोनों में थोड़ा थोड़ा प्रसाद है दे दिया कि नहीं किसी ने दिया देख लो तो हाँ अब सबके साथ ये महाप्रभु क्या खाते थे वो चीजें, बोले हरे कृष्णा 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 हरे